नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प हिंदी चैनल पर। दोस्तों, जो यूटीआई पीएसएल का पैन कार्ड होता है उसको आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका आपको कंप्लीट ऑनलाइन ए टू जेड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाएंगे और आपको एक एक चीज़ समझाते हुए ये पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो ये वाला पोर्टल देखो हम किस प्रकार से खोल सकते हैं। ये वाला पोर्टल खोलना होता है यूटीआई का, यूटीआई के पोर्टल से बनाने के लिए। देखो ये खोलने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास अगर सीएससी के द्वारा ये पोर्टल मिला हुआ तो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप उसमें हम टाइप करेंगे सीएससी यूटीआई पैन, या मैं किसी और अदर कंपनी के द्वारा मिला हुआ तो हम उसके थ्रू द्वारा लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे हमारे सीएससी के थ्रू है तो हम सीएससी के द्वारा ही आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो जैसे हम गूगल में देखो सीएससी यूटीआई पैन सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाती है इसकी सबसे ऊपर ही, myutitsl.com पे ही वेबसाइट हमें लॉगिन करनी है सीएससी लॉगिन। इसको देखो लॉगिन करेंगे, अब ये ऑलरेडी लॉग है तो ये यहाँ पे लॉगिन है ऑलरेडी, तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का देखो पेज खुल जाता है, जहाँ पे देखो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो अभी हमें देखो जैसे नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो इसमें देखो अप्लाई न्यू पैन का यहाँ रखा ऊपर ही सेकेंड नंबर पर अप्लाई न्यू पैन, और इसमें यहाँ पर पैन एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर न्यू पैन, तो हमें न्यू पैन अप्लाई करने के लिए इसी पे क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसको ओके कर देंगे यहाँ से। तो देखो दो मोड है, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में क्या है, आपको डिलीवर नहीं होगा पैन कार्ड, और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, वरना आपके पास कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए जब आप ये वाला बना सकते हैं डिजिटल मोड वाला। बाकी फिजिकल मोड में डिलीवर भी होता है आपका, और आप इसको डॉक्यूमेंट बाद में भेजने होते हैं। इसमें आप अभी आपका जाता है पैन कार्ड, दूसरे तीसरे दिन तो इसकी फोटो वो आ जाती है पीडीएफ जीमेल पे, बाकी हफ्ते 10 दिन में आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है, कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो फिजिकल मोड से ही करते हैं हम हमेशा अप्लाई। तो देखो आपको फिजिकल मोड से दिखाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके फिजिकल मोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें ये है देखो, एसोसिएशन पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपने पर्सनल यूज के लिए या किसी सिंगल कस्टमर का जैसे बनाना है तो इसमें इंडिविजुअली सेलेक्ट करना होता है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, जैसे किसी कस्टमर का हमें बनाना है। और यहाँ पे फिर ये वेदर फ्रॉम वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस या NRI कैटेगरी, इसमें नो कर देंगे। अगर आप NRI का मतलब यही है कि विदेश से बिलोंग है तो आप यस करना है, बाकी अगर आपने स्वदेशी कहीं बना रहे हैं भारतीय कहीं तो इसमें नो कर देंगे। यहाँ पे भारतीय कहीं बनते हैं यहाँ पे, तो देखो तो इसमें नो कर देंगे। और यहाँ पे इसमें बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, अगर हमें फिजिकल भी चाह रहा और ई पैन भी चाह रहा तो ये करेंगे, और बाकी खाली अगर ई पैन ही चाह रहा है इसमें फिजिकल नहीं चाह रहा हमें जो एड्रेस पर डिलीवर होता है तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें फिजिकल भी चाह रहा और ये जीमेल पर भी चाह रहा, तो हम इसमें बोथ वाला ही करेंगे सेलेक्ट, जिसमें आपके डिलीवर भी होगा एड्रेस पर और आपके ई पैन ईमेल आईडी पर भी आएगा ये। तो इसमें देखो बोथ सेलेक्ट करेंगे, इसकी फीस कम हो जाती है फिर, अगर यहाँ पर आप खाली ई पैन सेलेक्ट करेंगे तो फीस कम हो जाएगी, बाकी बोथ सेलेक्ट करेंगे तो फीस कटेगी 97, अगर खाली ई पैन करेंगे तो 67 फीस कटती है। तो ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर देखो क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा पेज इस प्रकार का। तो ये फॉर्म जो है देखो ये होता है लगभग 6 स्टेप में होता है, पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट, ये देखो 6 स्टेप है इसकी। तो इसकी देखो 6 की 6 स्टेप आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें देखो डिटेल्स ली जाती है हर स्टेप पर। तो देखो पहली जो स्टेप है इसमें पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहला तो नेम, आपको यहाँ से पहले तो उसमें टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, कुमारी श्री या श्रीमती जो भी है, जिकर कोई लड़की वगैरह करते हैं तो कुमारी, किसी पुरुष का करते हैं श्री, और किसी शादीशुदा महिला करते हैं तो श्रीमती इसमें। और यहाँ पे देखो फिर नाम डालना है, नाम देखो आपको इसमें थोड़ा स्पेशल तरीके से डालना पड़ता है, पहले तो उसमें लास्ट नेम डालना है, जो लास्ट नेम जैसे किसी का नाम राकेश कुमार तोमर है तो उनका नाम तोमर तो आ जाएगा यहाँ पर लास्ट नेम में, फर्स्ट नेम आ जाएगा राकेश और मिडिल नेम आ जाएगा कुमार, तो इसमें इस तरह डालना है। अगर किसी का सिंगल ही नाम है राकेश है खाली तो ये मिडिल नेम और फर्स्ट नेम में कुछ नहीं डालने का, सिर्फ इसमें ओनली लास्ट नेम में नाम डाल देंगे राकेश, तो वो यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑन कार्ड में। यहाँ पर आपको एक बार सीरियल चेक कर लेना है डाल के, जैसे राकेश कुमार तोमर आपको दिखाते हैं डाल के, इसमें तोमर तो हमने डाल दिया लास्ट नेम में, राकेश डाल दिया फर्स्ट नेम में, और यहाँ पर कुमार डाल दिया मिडिल नेम में। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे नेम ऑन कार्ड में यहाँ पे इस तरह हमारा नाम सही से आ जाना चाहिए, जो हमारे आधार कार्ड में एकदम सीरियल से एकदम राकेश कुमार तोमर। तो जो अगर नाम खाली राकेश है वो आपको बता ही दिया, आप इसमें सिर्फ सरनेम में डालिए इसमें लास्ट नेम में, तो यहाँ पे देखो राकेश ही दिखाएगा फिर नेम ऑन कार्ड में। तो ये आपको नाम यहाँ विशेष रूप से ध्यान करके डालना है। उसके बाद फिर ये हैव यू बीन नोन एनी अदर नेम, अगर कोई अदर नेम है तो यस करके डाल देंगे, बाकी अगर नहीं है तो नो कर देंगे अदर नेम में। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो डाल लेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देखो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से डाल सकते हैं, बाकी मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे 12/02/1992 ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं, पहले तारीख उसके बाद महीना और उसके बाद सन। फिर
इसके बाद देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको सेलेक्ट करना है जिस पर आपका पैन कार्ड डिलीवर किया जाएगा, कि आपका पैन कार्ड कौन से एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, ऑफिस आपको नहीं सेलेक्ट करना। अगर आप ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो आप यहाँ पे हमेशा रेजिडेंस ही सेलेक्ट करिए। उसके बाद फिर रेजिडेंस स्टेट पूछेगा, यहाँ पे रेजिडेंस स्टेट आपका जो भी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जो भी आपका है, इसमें स्टेट आपने स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ऑफिस स्टेट सेलेक्ट करना है। ऑफिस स्टेट और रेजिडेंस स्टेट अगर दोनों सेम है तो आप सेम ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें देखो हम सेम ही सेलेक्ट कर लेंगे। आप वैसे रेजिडेंस और ये सेम ही करिए सिलेक्ट ऑफिस स्टेट, इसका फिर एड्रेस वगैरह नहीं पूछेगा। इसके बाद है फिर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, अगर एज है जिसका हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनकी 18+18 साल से ऊपर है, तो ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव का हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना इसमें। लेकिन अगर आपकी एज 18 से कम है जिसकी हम अप्लाई कर रहे हैं पैन कार्ड, तो हमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इसमें सेलेक्ट करना है कि स्टेट क्या है उनका जिसका हम पैन कार्ड बना रहे हैं। तो ये अगर 18 से ऊपर तो आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट आधार डिटेल्स है, आधार डिटेल्स में देखो पहला आधार नंबर डाल लेंगे इसमें। तो जैसे ही देखो एक बार इसमें आधार नंबर डाल के हम नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं, तो इसमें एक बार री एंटर और करना होता है आधार नंबर, यही आधार नंबर जो हमने एंटर किया यहाँ पे, यही आधार नंबर आपको यहाँ पे री एंटर करना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेम एज पर आधार या इनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे आपको फिर आधार में जो नाम है सेम यहाँ पे आधार पे जो नाम है वही सेम यहाँ पे डालना है इस वाले इसमें, और ये सभी डिटेल्स डाल के फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो ये सभी डिटेल्स इसमें डाल लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके देखते हैं क्या डिटेल्स ली जाती है। तो अभी इसमें जल्दी से सारी डिटेल्स डाल लेते हैं, सभी डिटेल्स हमने इसमें डाल ली है और अभी इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में कि विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटिंग, आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप तीनों ऑप्शन में इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों ऑप्शन में आधार कार्ड इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ रखा आधार कार्ड का, आधार कार्ड इशू बाय उदय, तो इसी को आप सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे फिर ये मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, इसकी फीस कटती है हमारे वॉलेट से, तो इसकी फीस पे कर देंगे अब जा, 97 रुपये इसकी फीस कटेगी अब जा। ये देखिए यहाँ पे सेल अमाउंट दिखा रहा है 107 और वॉलेट से जो डिडक्ट होगा बैलेंस ये वाला 97 रुपये 66 पैसे इसकी फीस डिडक्ट होगी। तो यहाँ पे इसमें पासवर्ड डाल लेंगे, इसके बाद वॉलेट का पिन डाल लेंगे और पेपर क्लिक कर देंगे। पेपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और रिडायरेक्ट होकर फिर से यूटीआई के पोर्टल पर आ जाएगा। फीस कटने के बाद रिडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिक यूटीआई के पोर्टल पर आ जाएगा। ये इसको ओके कर देंगे। आधार मैच्ड यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स, अगर हमने जो डिटेल्स वहाँ पे डाल ली थी वो आधार कार्ड से मैच हो जाएगी, तो इस प्रकार का मैसेज शो होगा, इसको ओके कर देंगे। अगर कुछ मिसमैच हुआ तो यहाँ पे फिर ये फिंगर से कैप्चर करने के लिए मांगेगा और मिसमैच बता देगा, अगर कुछ आधार में मिसमैच हुआ नाम में जो डाला हमने और आधार में, तो फिंगर का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे मिसमैच बता देगा, इसे ओके कर देंगे। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर इस वाले इसमें मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी इस वाले इसमें ईमेल आईडी डाल लेंगे, यहाँ पे इसमें ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद देखो नीचे देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके इसको, फिर यहाँ पे पेरेंट डिटेल लिए, पेरेंट डिटेल का जो आया हुआ इसमें पेरेंट डिटेल में पहले तो उस पर नो पे क्लिक कर देंगे। वेदर मदर ही सिंगल नेम में यहाँ पर नो कर देंगे, अगर मदर का नेम नहीं लाना हमें इस पर पैन कार्ड में, फादर का नेम लाना है तो उस पर नो पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे फादर का नेम डालना है। मैंडेटरी एक्सेप्ट वेयर मदर ही सिंगल पेरेंट, जिनकी मदर ही सिंगल पेरेंट है उसको छोड़ गए, सबको फादर का ही नेम डालना होता है इसमें, तो इसका इनका भी नेम इस तरह डालना है, फादर का नेम भी पहले इसमें, लास्ट नेम या सर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और यहाँ पर फिर मिडिल नेम, ये भी आपको ध्यानपूर्वक डालना है, नाम लास्ट नेम पहले, फर्स्ट नेम भी यहाँ पे और मिडिल नेम यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो अभी देखो इसमें नाम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डाल लेते हैं। तो अभी देखो नाम वगैरह डाल लिया हमने, तो हमें अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या डिटेल्स ली जाएगी नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा इस प्रकार का, यहाँ पे देखो एड्रेस डिटेल्स, फिर एड्रेस डिटेल्स में यही है रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस की डिटेल, अगर दोनों सेम है आधार कार्ड पर दोनों सेम है तो इसमें देखो पहले फ्लोट या ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ परमिस और ये रोड, ये सारा आप आधार कार्ड से देख के इसमें डाल लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे है सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में देखो जो भी इनकम का सोर्स होगा, सैलरी है तो सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो जो भी आपके एप्लीकेबल है वो आप इसमें से डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इसमें से क्या डालना है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स,
अगर आपको नहीं पता कि क्या डालना तो आप इसमें कर दीजिए सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है अभी। तो अभी इसमें एड्रेस वगैरह डाल लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके देखते हैं क्या डिटेल्स ली जाती है। अभी इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेलेक्ट करके देखो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं, सभी डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो देखो ये AO कोड जो होता है तो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा इसमें। बाकी जब NSDL के पोर्टल से करते हैं तो उसमें हमें डालना पड़ता है ये, और यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है AO कोड। ये देखो इसमें आ जाता है अपने आप, ये आपके एरिया के हिसाब से जो आपने डिस्ट्रिक्ट और वगैरह डाले उसके हिसाब से आ जाएगा अपने आप। तो अभी नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव SC एड्रेस डिटेल। रिप्रेजेंटेटिव SC ये सिर्फ 18 साल से बिलो जब एज होती है उनके लिए डालना पड़ता है। तो अभी इसमें 18 से प्लस एज तो ये ऑप्शन हमें कुछ नहीं डालना, इसमें हमें छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे यू डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट वाट एवर स्टेडिड ऑफ कैपेसिटी ऑफ, तो यहाँ पे देखो हिमसेल्फ कर लेंगे। इसमें सिग्नेचर के ऊपर ये है कि जो भी हमने डिटेल्स दी वो सब अपने द्वारा घोषणा करनी कि हाँ हमने ये सभी डिटेल्स सही भी रही हैं, आप हिमसेल्फ कर सकते हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव SC करेंगे तो इसमें फिर रिप्रेजेंटेटिव की SC की इसमें सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है उन्हीं का ही, और ये सिग्नेचर उन्हीं का अपलोड करना पड़ता है बस। इसमें यहाँ पे ध्यान देना, हिमसेल्फ करेंगे तो अपना सिग्नेचर कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करना होगा इसमें। और यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन प्लेस में आप अपने सिटी का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव का, कुछ किसी का भी नाम इसमें डाल सकते हैं। तो अभी वेरिफिकेशन प्लेस में हमने डाल दिया अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। अभी नेक्स्ट स्टेप पर लास्ट वाली स्टेप आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ये वही आ जाएगा जो सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ पे बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने होंगे। और ये देखो यहाँ पे साइज वगैरह दिखा देता है, फोटो स्कैनिंग साइज, फोटो भी अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है, और इसकी जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा उसकी PDF बना के भी इसमें अपलोड करनी है। PDF का साइज वही है, 2 MB से कम होना चाहिए, और फोटो का साइज ये दे रखा है देखो लेस देन 30 KB, 30 KB से कम होना चाहिए, और 213 इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर का साइज भी यही है देखो, 60 KB से कम होना चाहिए, और 600 DPI होनी चाहिए उसकी जो रिजोल्यूशन है, 600 DPI होना चाहिए, और फोटो का जो रिजोल्यूशन है वो 300 DPI में होना चाहिए। ये देखो विशेष रूप से ध्यान रखना है, रिजोल्यूशन 300 DPI, फोटो का 213 पिक्सल डायमेंशन, और 30 KB से कम साइज, और सिग्नेचर 600 DPI रिजोल्यूशन, और 60 KB से कम साइज। ये आप किस प्रकार बना सकते हैं साइज, इसका आपको देखो वीडियो के नीचे हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई इसके साइज के ऊपर, 2-3 वीडियो बनाई हुई, आप उन वीडियो को देख के 2-3 तरीके इसमें हमने बताई हुई बड़ी आसानी से साइज आप बना सकते हैं, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर क्लिक करके 2-3 वीडियो हमने बनाई हुई ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं इसके साइज, और फोटोशॉप के माध्यम से भी वो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ, आप वहां पे देख के वो साइज बना सकते हैं। बाकी इसको हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, अभी इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसकी PDF कॉपी देखो जनरेट हो जाएगी, PDF कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और स्लिप को प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये देखिए सभी डिटेल्स आ गई, बाकी जो हमने फिलअप करी, और यहाँ पे प्रिंट करके हम इसका स्लिप का प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। बाकी देखिए डाउनलोड हो जाएगी PDF कॉपी इसकी, ये 2 पेजों पे प्रिंट आता है इसका, इसका प्रिंट निकाल के इस पर फोटो निकाल के और साइन करा के कस्टमर के हमें पोर्टल पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे फोटो चिपका के दो तरफ, और यहाँ पर 3 साइन है फॉर्म पे, एक यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर होगा फोटो चिपकाने के बाद, एक फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर होगा, एक इस बॉक्स में साइन और एक इस बॉक्स में साइन, और एक साइन होगा आप जो इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी अटैच करेंगे उस पर भी कस्टमर का एक सिग्नेचर होगा, तो वो साइन हमें कराने हैं इस पर, ठीक है। तो अभी देखो हम अपलोड कहाँ पर करने हैं, ये अपलोड ही देखो यहाँ पर करने हैं पोर्टल पर, देखो यहाँ पर आ जाता है अपलोड का, ये आता है यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स आता है, देखो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, इस पर क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। बाकी देखो अभी इसमें पोर्टल पे एक सुविधा और भी दे दी है कि अगर आप वो जो फॉर्म है फॉर्म उसमें फोटो वगैरह चिपका के हम इस क्रॉप एंड अपलोड के द्वारा भी यहाँ पे साइज बना सकते हैं, जैसे हम वो PDF अपलोड करते हैं तो इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कि आप वो फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे देखो, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल अपलोड करने के लिए बोलता है, PDF फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करनी होती है ब्राउज करके, और PDF में ही फिर वो फोटो और साइन को यहाँ पे ही बड़ी आसानी से हम वो साइज बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं खुद से अपने फोटोशॉप के माध्यम से, या जैसे भी आपने साइज बनाया आप उससे अपलोड करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। इसमें देखो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, फिर पहले तो पैन कार्ड का फॉर्म अपलोड करना है PDF साइज में, और उसके बाद पिक्चर फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे, और इसमें सिग्नेचर फिर इससे सिग्नेचर अपलोड करना है, और ये तीनों सेलेक्ट करके चीज़ें अपलोड पर क्लिक कर देना है तो आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल तरीके से अपलोड हो जाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं देखो अपलोड होने के बाद किस प्रकार का मैसेज होता है, जब हम सही तरीके से अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट किस प्रकार का मैसेज होगा। तो अभी हम जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, इसमें तीनों चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं, फॉर्म भी, फोटो भी और सिग्नेचर भी। अभी अपलोड पर क्लिक करेंगे,
कुछ देर प्रोसेस होके देखो अपलोड हो जाते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ भी जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर, इस प्रकार का मैसेज हो जाता है और डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुल तरीके से अपलोड हो जाते हैं और फॉर्म हमारा प्रोसेस हो जाता है। 2-3 दिन के अंदर PDF आ जाती है मेल पे, हफ्ते 10 दिन में आपका पैन कार्ड डिलीवर हो जाता है आपके एड्रेस पर। तो ठीक है दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाया, एक एक चीज़ क्लियर करी, लेकिन अगर अभी भी आपकी कोई क्वारी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे और आपकी हेल्प करेंगे जितनी भी हमसे हो सकेगी। बाकी आप डिजिटल हेल्प हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।